दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हा है चूल्हा तो दोस्तों बना से थोड़ा गलत हो गया, तो इलेक्ट्रिक चूल्हा है। तो यहाँ पे हम लोग आज मैगी बनाए, देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पे हम लोग इतना मैगी बना रहे हैं। बाकी वहाँ पे एक टुकड़ा है फिर से। और दोस्तों हम आज बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट मैगी बनाएंगे, धमाकेदार मैगी यहाँ पे देख सकते धड़कता हुआ दोस्तों देख सकते हैं। प्याज फिर से टमाटर फिर से ये मिर्च हो गया, फिर से यहाँ पे कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में ये थोड़ा सा तेल ऑयल ले लिया। तो दोस्तों अब इसको लगाते हैं हम लोग। क्या दोस्तों चाहते हैं कि हम लोग लगाए? तो चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते दोस्तों 200,000 डिग्री पे है दोस्तों पूरा तेल हो गया उबलने लगा। तो दोस्तों इसको अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मिर्चा हो गया है और प्याज डालेंगे। चला रहे हैं अभी इसको अच्छे से भून रहा है ना। हम दोस्तों अभी इसको बोलने स्टार्ट। तो दोस्तों हम 5 मिनट के बाद यहाँ पे आ चुके हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्याज गोल्डन कलर का तो हो गया है और दोस्तों हम ये डाल रहे हैं, कोई बात नहीं दोस्तों देख सकते हैं डाल रहे हैं। टमाटर पूरा डाल दिए हैं टमाटर और उसको फ्रेश को अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद टमाटर को लाल लाल है दोस्तों, टमाटर डाल दिया और उसको भून रहे दोस्तों। अब उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं दोस्तों, सॉल्ट दोस्तों इतना हो जाएगा कि क्यों खा देते हैं डाल दिया था। तो दोस्तों इसको साइड रखते हैं और दोस्तों इसको ऐसे करते हैं हम जाते हैं गैस पानी डालते हैं। यहाँ पे थोड़ा पानी डाल देते हैं दोस्तों। दोस्तों दोस्तों हम पानी डालने के बाद इसमें अब मसाला डालेंगे। दोस्तों ऊपर फूल एक फूल में कर देते हैं दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे सारा मसाला डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैगी डाले होगा पकड़िया होगा दोस्तों मैगी। दोस्तों देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा मैगी है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने पूरा अच्छे से बना दिया है दोस्तों। दोस्तों हम लोग को लग रहा है कि ये पूरा हो गया अच्छे से पूरा दोस्तों। ये मैगी का सुगंध बहुत मस्त आ रहा है दोस्तों, ये सुगंध इधर अच्छा है, साथ में साथ कलर भी दोस्तों ब्राइट हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कितना मस्त कलर है दोस्तों। पूरा टमाटर इसके अंदर प्याज मिर्च सब एकदम अच्छे से हो गया है और इसका मसाला भी दोस्तों देख सकते हैं हम लोग इसके दोस्तों इसका स्वाद बताएंगे खाकर कैसा लग रहा है। स्वाद एकदम बताएंगे दोस्तों। मुझे तो लगता है दोस्तों एकदम जबरदस्त बनेगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हम थाली में रख लिए इसका स्वाद बताएंगे खाकर कैसा। ये दोस्तों बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत टेस्टी। तो दोस्तों मैं भी खा के बताता हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा है दोस्तों, इसका हर एक चीज का फ्लेवर है। तो दोस्तों मैं तो चाहूंगा इसको 100 मार्क्स देने के लिए। दोस्तों बहुत अच्छा है।